पाकिस्तान का पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते नंबर है मुझे ना वो क्लिप भेजना उनके नंबर पे यूट्यूब पे भी आ जाना वहाँ पे भी ठीक है भेज देना अच्छा मेहरबानी इस वक्त हम लेडीज़ वाली साइड पे मौजूद हैं। यहाँ पर भी कुछ कारकुन इमरान खान के मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, किस लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम अपना? तारुफ करवा। जरीन रहमान जी। मैम आप यहाँ किस लिए मौजूद हैं? अपना घर बार छोड़ कर क्यों मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल, हम घर बार छोड़ के इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि ये वाहिद लीडर है जो हमारे पाकिस्तान की आगे की फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच रहा है, हमारी औलाद के बारे में ही सोच रहा है, इस मुल्क के सारे आगे बच्चों के बारे में सोच रहा है। बाकी जो जिन्होंने लूट पूट खाना पीना था वो खा पी के दूसरे मुल्कों में बैठे हुए, कोई नवाज शरीफ से ये तो पूछे कि उसका मुल्क पाकिस्तान है या यूनाइटेड किंगडम है जब वो चार सालों से वहाँ बैठा हुआ है। सो उनसे जवाब लेना चाहिए आवाम को, वक्त आ गया। तो उन्होंने तो क्या नाम है IMF वालों ने मुतालबा किया है कि आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते, ठीक है? उन्होंने कहा है कि आपका उनका साइन हमें ज़रूरी है। उन्होंने समरी इमरान खान को तो भेज दिया, क्या इमरान खान साइन करेंगे उस पर? क्या दोबारा यकीन करेंगे PDM वालों पर? देखिए जी, PDM वालों पर तो यकीन नहीं है, लेकिन सारी इंटरनेशनल कुवतें भी जानती हैं कि पाकिस्तान को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है उसका वाहिद जो ऑनेस्ट लीडर है वो है इमरान खान। इन्होंने 3-3.5 सालों में खान साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मनवा लिया। 75-76 साल हमारी जो हिस्ट्री है उसके बाद हमारे कायद जो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बाद एक वाहिद कायद हमारा ये लीडर आया है जिसने पाकिस्तान का नाम जो है पूरी रोशन किया दुनिया में, और ये दुनिया भी मानती है। PDM वाले माने ना माने, उनको तो मेरे ख्याल से उनके अपने घर वाले भी नहीं मानते, लेकिन बात यह है कि इस वक्त कौम को मुल्क को इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। अब वो हमारी ज़रूरत बन चुके हुए हैं इसलिए क्योंकि हमें इलेक्शन होगा, आवाम की राय आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, जब स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होंगे, उसके अलावा और कोई चारा नहीं। आपको पता है LCs नहीं खोल रही इस वक्त, डॉलर किस रेट के ऊपर है ये दुनिया भर में सब देखा जा रहा है, सारी नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं। यहाँ स्टेबिलिटी आएगी, इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इनके रिग किए हुए इलेक्शन नहीं और ना इनके हैंडलर्स के, तो फिर जाके इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। और ये आवाम को भी समझना चाहिए और ये इन लोगों को भी समझना चाहिए, होश के नाखून करने चाहिए। आपको लग रहा है कि जल्द इलेक्शन होंगे जो हालात चल रहे हैं? क्योंकि वो जो है PDM वाले वो तो बिल्कुल भी एंड तक यही कोशिशें कर रहे हैं कि इलेक्शंस ना हों, इमरान खान दोबारा ना आए, क्योंकि उनको भी नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में इमरान खान ही आएंगे। वो उनकी कोशिश ये है कि ना हो इलेक्शंस, जो कहते थे वोट को इज्जत दो तो आज वोट से भाग क्यों रहे हैं वो? तो मतलब मेरे ख्याल से तो इनको पता चल चुका हुआ है, लोगों की पल्स ये देख रहे हैं, खान की एक कॉल पे पूरा पाकिस्तान निकल आता है, इसी वजह से डर रहे हैं। ये डरें या जो भी करें इलेक्शन होके रहेंगे, इनके मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन कराने के ऊपर। ये समझते हैं कि आप ये देख लें कि खान साहब के ऊपर एक उन्होंने थ्रेट की है, हम यहाँ पर आज 15वां दिन है, हम यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, खवातीन बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हुए सारे यहाँ पर, ये समझते हैं खान को ऐसे को खुदा ना होता कोई छोटी सी चीज़ है कि जिसको हम कुछ भी चाहे कर सकते, ऐसा नहीं है। कल ये न्यूज़ चल रही थी कि जी 20 मिनट में कर लिए, कि 20 साल भी इनको लगे कोई खान को नहीं हटा सकते, ये इनकी भूल है। बहुत शुक्रिया मैम। तो हम और भी यहाँ पे लोगों से बात करेंगे उनका पॉइंट पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? नादिया राणा। तो मैम आप यहाँ पर बैठी हुई हैं इमरान खान के लिए, ठीक है, अपने मुल्क के लिए, अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए बैठी हैं। तो जैसे हैं सऊदीया के शहजादे हैं वो भी बोले हैं, वो कह रहे हैं हम इमरान खान के साथ हैं, ठीक है, और एक और मुल्क है ईरान है, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान नेक्स्ट आते हैं तो पूरे पाकिस्तान को हम गैस फ्री देंगे, ठीक है जी। IMF ने क्या रखी है कि ये लोग काबिले एतबार ही नहीं है, इन लोगों की कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि इनको इनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए या इनको कोई लोन दिया जाए, क्योंकि अगर हम इनको पैसे देते तो इन्होंने तो अपने लिए लंदन में महल ही बनाने हैं ना, मुल्क के लिए क्या करेंगे, कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे वो पैसे इनको वापस करेंगे? तो दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ना तो वो मुल्क के साथ लॉयल है ना इस कौम के साथ लॉयल है। तो खान एक ऐसा बंदा था जो अगर इसने IMF का प्रोग्राम लिया भी था तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा हो रहा था। एहसास प्रोग्राम देख लें, हेल्थ कार्ड देख लें, लंगर खाने देख लें, इन बेशर्मों ने क्या किया है, आते ही सारा कुछ खत्म कर दिया है। खुद तो इनकी सर्जरियाँ होती है लंदन में, हेल्थ कार्ड खत्म करके एक गरीब के साथ जितना बड़ा जुल्म किया है वो उसका कोई भी खमियाजा नहीं है कि इनको भुगतना पड़े, वो तो आम आवाम को भुगतना पड़ेगा। खान साहब ने हमारी जितनी भी वहाँ पे गरीब कम्युनिटी थी उनके लिए एहसास के वो जो प्लेटफॉर्म बनाए थे, जो उनको रेडी बांध बना के दिए थे, इन्होंने सारे के सारे वो ड्रॉप कर दिए। तो किसी की बददुआ तो लगेगी ना इनको, कहीं तो ये जुल्म खत्म होगा ना।
तो हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए, हम तो उस हक बात के साथ खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है IMF की तरफ से जो उन्होंने मुतालबा किया उसके लिए समरी उन्होंने इमरान खान को भेजी है, तो क्या इमरान खान उस पर साइन करेंगे दोबारा PDM पे और ये कुवतों पे करेंगे यकीन? PDM तो काबिले एतबार नहीं है, लेकिन अगर मुल्क के लिए इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई सख्त फैसला करना पड़ा तो जाहिर सी बात है फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन पहले अगर जो कंडीशंस रखी गई हैं कि ये IMF का जो प्रोग्राम हमें दिया गया उस पर सिग्नेचर करने से पहले ये इलेक्शंस का मुतालबा भी माने ताकि मईशत किसी रुख को तो आए। मईशत तो सारी की सारी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हुई है। मईशत को सुधारने के लिए एक स्टेबल हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। ना तो आपके ऊपर कोई बाहर का इदारा ट्रस्ट करेगा, ना ही कोई मुल्क आपको लोन देगा। जब तक जमहूरी निज़ाम नहीं आता, एक मुस्तहकम यहाँ पर हुकूमत नहीं बनती, तब तक इन सारे स्ट्रेटजीज का कोई फ़ायदा नहीं है। नून लीग में भी टूट फूट शुरू हो चुकी हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं जो सीनियर नायब सदर, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। मुफ्ता इस्माइल और बहुत से लोग हैं जो नून लीग के ख़िलाफ़ बोलने शुरू हो गए, और मरियम नवाज़ हैं वो खुद अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ खुद बोल रही है। देखिए, दे आर ट्राइंग टू फाइंड फेस सेविंग थिंग्स। ना तो वो पार्टी छोड़ सकती है, ना ही इन जैसे लोगों पे कोई दूसरी पार्टी ट्रस्ट करेगी। ये जो 14 पार्टी का टोला बैठा हुआ सारे एक दूसरे के चोर हैं, और ये जो इस्तीफे और ये सारा कुछ है, तो ये फिर इस्तीफ़ा मुफ्ता इस्माइल से दिलवा के इसहाक डार को दिया, तो इसहाक डार से दिलवा के किसको देंगे? ये इन्होंने बारियां रखी हुई हैं, जिनके पेट फाड़ने थे उनके साथ मिलके ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो फिर फाड़ लेते पेट उनके। तो ये सारी फेक स्टेटमेंट्स हैं। मैं इस पर बिलीव नहीं करती, कि मेरी अपनी राय, हो सकता है कि वो उनकी राय कुछ और हो। अच्छा, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा दिया है और मुफ्ता इस्माइल, तो आप कह रही हैं कि आपको उस पर उन पर यकीन नहीं है कि मिली भगत है इन लोग? देखिए, मिल के खाया हुआ है ना इन्होंने, जाएंगे कहाँ पर? एक दूसरे के साथ ही इन्होंने एक दूसरे को ही अकोमोडेट करना है, एक दूसरे के लिए ही कुछ 4 वोट और इकट्ठे कर देंगे। मैं कह दूं जी, मैं बहुत नाराज़ हूँ, लास्ट टाइम जो पेट्रोल की कीमत जब बढ़ी तो जी नवाज शरीफ साहब के दिल में दर्द हुआ है और वो छोड़ के चले गए हैं मीटिंग, तो उससे उस आवाम से उसका क्या ताल्लुक भाई? वो दर्द तुम्हें अपने आप के लिए महसूस हो रहा है, आवाम के लिए कोई दर्द नहीं। अगर दर्द महसूस होता तो अभी ये बीबी जो सर्जरी करा के जब वापस आई तो आते फिर 35 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया कि हमें बहुत तकलीफ है। तुम्हें उस तकलीफ का एहसास ही नहीं है। तुम्हें क्या पता ग्रोसरी खरीदने वाले का दुख क्या है या आटे चीनी का भाव क्या है? वो दर्द तो तब तुम महसूस करो जब तुम उस दर्द से गुजरो। ये सारी बकवास है, ये बेहिस लोग हैं, गिधे हैं ये। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करती हूँ। कैप्टन सफदर का जो बयान आया, शायद आपने सुना ही होगा, जो उन्होंने कहा है कि हम बिस्तरी के लिए उसके लिए निकाह की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, एक मुसलमान होने के नाते ये बात करना तो वैसे ही मतलब इंसानियत के भी कैटेगरी में नहीं आती है। एक मुसलमान होने के नाते आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि नकाह बरहक है, वो एक जायज़ तरीक़ेकार है किसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का। तो इस पे बात करने के लिए मेरा ख्याल है मौलाना डीजल को सामने आना चाहिए ना, जिसे कहते हैं ये पूरे इमाम जो हैं जितने भी उनका ये सरबराह है, ये उनका जो है सारा कुछ लेके बैठा हुआ है। तो अब स्टेटमेंट्स कहाँ हैं इनकी? अब वो गैरत कहाँ गई? वो ईमान कहाँ गया? वो जो जिहाद था वो कहाँ गया? तो ये उनको इस बात पे पूरी तरह से रजिस्ट करना चाहिए था। आप अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो? मुस्लिम कंट्री से क्या इसको बनाना चाहते हैं आप लोग? नहीं करना चाहिए ये सारा कुछ, तो ये दीन के ख़िलाफ़ है। ये इन लोगों की शक्लें नस्लें उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। लंदन में रह रहे के इनके कवानीन भी उसी तरह के हो गए और इनका मज़हब भी उसी तरह का हो गया वह। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो आपको पता, मैं यहाँ लोगों से बात करवा रही हूँ, यहाँ इमरान खान के कारकुनों से, इमरान खान के जियालों से, उनके सपोर्टर से आपकी बात करवा रही हूँ, उनके पैगाम आप तक पहुँचा रही हूँ। हम और भी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आप? जी, मेरा नाम दरक्षा है। ठीक है मैम, आप यहाँ पर बैठी हैं अपनी फैमिली छोड़ के, घर बार छोड़ के, क्यों बैठी हैं आप यहाँ? मैं तो बच्चे अपने लिए बैठी हूँ, अपने बच्चों के लिए बैठी हुई हूँ। मैं हर पाकिस्तानी से यही इस वक्त अपील कर सकती हूँ कि मत सोचो, पाकिस्तान का मत सोचो, इमरान खान का मत सोचो, अपना सोच लो, अपने बच्चों का सोच लो, सेल्फिश होके सोच लो, निकल आओ, आओ तो सही, मत आपको बड़े किसी एम के लिए ना निकले। अगर आपका दिल नहीं चाहता कि आपको इतने, आपको अल्लाह ने समझ अक्ल नहीं दी हुई कि आपको सोचें कि आपके मुल्क के लिए क्या बेहतर है, या एक इंसान आपके लिए जंग लड़ रहा है उसका अपना यहाँ पे कोई स्टेक ही नहीं है, तो वे इस चीज़ पे भी अगर आपको होश नहीं आ रही और आपको अक्ल नहीं आ रही तो फिर अपने लिए निकल रहो। कितना जलील होगे, कितना ख्वार होगे, कितना आप लोग, एक साल से आवाम जो है वो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। घरों में बैठ के बद दुआएँ देंगे, कोसेंगे, बाहर निकल के नहीं इस बात पे एहतजाज करेंगे। मैम, वो जेल भराओ जो इमरान खान ने तहरीक स्टार्ट की है, तो पिशावर में भी और भी मुख्तलिफ कंट्री, वो शहरों में शुरू हो गया है, फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी लोग जेल में जाएंगे इमरान खान के लिए, अपने लिए?
देखें आवाम तो शदीद मोटिवेटेड है, वो तो बल्कि इंतज़ार करें। अभी हम सुबह सारी खवातीन बैठी बात कर रही थी कि सुनने में आया कि शायद उन्होंने खवातीन को एग्जेम्प्ट कर दिया कि वो ना गिरफ्तारियां दें। हमें इस बात का अफसोस हुआ है, हम नहीं खुश इस डिसीजन के ऊपर। हमें इन्वॉल्व करें, हम देना चाहते हैं गिरफ्तारियाँ, क्यों ना दें हम? ये कोई खान साहब के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए दे दें गिरफ्तारी। कुछ तो सोचें, कुछ तो करें। हाथ पे हाथ बैठ के तो आप सिर्फ हुकूमत को कोसने या IMF को गलियां निकालने या इंडिया के ख़िलाफ़ महाज खोलने के अलावा कोई और काम भी करें जिससे कि आपको कुछ हासिल हो, कोई प्रोडक्टिव काम करें। और वो इस वक्त फिलहाल जो है यही है कि आप बाहर निकलें और एहतजाज करें। इमरान खान जब थे उन्होंने हमारे इस्लाम का बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू पूरे मुल्क में पूरे दुनिया में दिया था, ठीक है। तब इस्लाम को एक अच्छा जाना जा रहा था, दहशतगर्द पहले जाना जाता था कि इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, लेकिन जब से इमरान खान ने वहाँ पे स्पीच दी थी तो उसके बाद से पॉजिटिव व्यू गया था इस्लाम का। लेकिन अब पिछले दिनों दोबारा से नाउज़बिल्ला कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, लेकिन उस पर कोई भी एक ये हकूमत का बंदा नहीं बोला उस पर, या उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि उनसे कहा जाए कि आप लोगों ने ये चीज़ क्यों की है, ये हमारी ये कितना मोतबर चीज़। बिल्कुल आपने ठीक बात की है, इमरान खान अगर उसके मुँह से कोई स्लिप ऑफ टंग भी हो जाए तो 5-7 मौलवी ऐसे ही 2 घंटे में खड़े होकर उसके खिलाफ फतवे दे देते थे। अब मुझे आप ये बताएं वो कहाँ हैं। मैं उनसे वाकई ये सवाल करती हूँ कि इस वक्त आलम दीन, इस वक्त मस्जिद में बैठे मेंबर के ऊपर मौलवी, वो क्यों नहीं जुमे के खुतबे में इन चीज़ों को एड्रेस कर रहा? वो क्यों नहीं सोशल मीडिया पर आके इसको बात कर रहे? क्यों इस वक्त उलमा कराम और बाकी सारे लोग वो हाथ में बैनर पकड़ के निकले नहीं हुए सड़कों के ऊपर, धरने नहीं दे रहे? इसका मतलब है ये क्या बात शो करता है कि एक एजेंडे के ऊपर ये सारे काम कर रहे हैं। इस्लाम की किसी को फिक्र नहीं है, उसकी अगर इनको फिक्र होती है तो ये अब तक निकल आए होते, आपको सड़कों पे प्रोटेस्ट नज़र आ रहे होते, आपको मस्जिदों के मेंबरों पे इसकी सदाएं सुनाई दे रही होती, अखबार भरे होते, सोशल मीडिया भरा होता, TV पर टॉक शोज हो रहे होते। मजाल है जो कोई एक मौलवी भी इसके ऊपर बात करे, और क्योंकि वो किनके एजेंडे के मैम, आप यहाँ पर अपनी फैमिली छोड़ के, बच्चे घर बार छोड़ कर क्यों बैठी हैं? बस अपने हादसा काफ़ी इमरान खान के लिए भी कल बताया है पैसे दे दिए बाहर कातले हैं ना, उनको कातलों को पैसे दे दिए, उनको मेरे कत्ल का कह दिया तो किसी वक्त मेरी स्पीच कर सकते हैं या गिरफ्तारी होगी या फिर ये है तो वो फिर मैं इतना ज़्यादा आप उनके लिए बैठे हैं, बैठे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए अच्छा हो, हम तो ये दुआ कर लेंगे और मुल्क के लिए जो बेहतर है अल्लाह ताला वो करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। मैम आपका नाम क्या है? फातिमा हैदर। तो मैम आप यहाँ पर क्यों बैठी हूँ? हम खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए राउंड द क्लॉक यहाँ मौजूद होते हैं वर्कर्स, हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है आज सुबह की, तो हम तो आप देखें कि जेल भराओ भी इमरान खान ने तहरीक का है, तो आपको कितना लगता है कि लोग करेंगे? खुशी से हम लिस्टें बना रहे हैं, इतनी लंबी लंबी लिस्टें, लोग हमें फ़ोन कर करके कह रहे हैं हमारा नाम लिखें, हमारा नाम लिखें, पब्लिक बहुत ज़्यादा हमारे साथ है जी, आप फिक्र ना करें। IMF ने भी ये डिमांड किया कि आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते, अगर उनके साइन होगा तो हम आपको कुछ दे सकते हैं, तो ये समरी इमरान खान के पास आ गई है, तो आपको क्या लगता है इमरान खान कर देंगे साइन? मुझे हंसी आ रही है कि क्या ही बात है कि हम IMF की वजह से ये काम करेंगे, वैसे हमारी कौम को अकल नहीं है कि -1 किसको करने और किसको नहीं, किसको माइनस करने की ज़रूरत है इस पॉलिटिक्स के अरेना से? खान साहब को माइनस करने की ज़रूरत है, जो एक ही बंदा है जिसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कभी हमारा नुकसान किया हो, कोई करप्शन की हो, उन्हीं को माइनस करना है, और जो बाकी सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं जिनके बड़े बड़े 80 मंजिला इसहाक डार की दुबई में बिल्डिंग है, मैं खुद देख के आई हूँ अपनी आंखों से, 2-3, आप सोचें कि उसको कितना पैसा उसमें से आता है, उसका बेटा कोई जॉब नहीं करता, आपको पता है क्या करता है वो अपनी प्रॉपर्टी मैनेज करता है, इतनी प्रॉपर्टी है उसके पास, वो कोई काम नहीं करता,
आप लोग कब समझेंगे, मुझे तो नहीं समझ आती हमारी पब्लिक को कब अकल आएगी। ये नून लीग में भी फूट शूट स्टार्ट हो चुकी हुई है, शाहिद खकान अब्बासी ने भी इस्तीफा दे दिया, मुफ्ता इस्माइल और बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं उनके खिलाफ। नहीं, जब तक ये जेलों के पीछे नहीं जाएंगे ना, सलाखों के पीछे, हमें चैन नहीं आना। इन्होंने नून लीग को छोड़ के वर्दी लीग ज्वाइन कर ली है, ये किया उन्होंने, ये हमारे हक में, फिर भी हमारे हक में फैसला नहीं करेंगे ये लोग। आपके ख्याल में, आपको गलत फहमी है अगर आपके ख्याल में इनके ईमान जाग जाएंगे अचानक एक दिन, ऐसे नहीं होना। इन्होंने अपनी दौलतें अपने आप को बचाओ के लिए, अपने आप को बचाओ के लिए नहीं जी, ये आप वर्दी वालों की साइड ले लेंगे ना, नेशनल गवर्नमेंट बना के आ जाएंगे, नई शक्ल बना के, नया मास्क लगा के, और हमें फिर बेवकूफ़ बना जाएंगे। हम 75 साल से बेवकूफ़ ही तो बनते आ रहे हैं, और अब हमें अकल आ भी गई है, लेकिन फिर भी हमने डिसाइड किया है कि हमने लड़ना नहीं है, हमने घर पे ही सोते रहना, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन बता देंगे निकल के। तो आप देख लेना, अब जो लोग जिनके ईमान जागे हुए हैं और जिनको तकलीफ़ हो रही है वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। और कुछ लोग तो बिल्कुल भी, हालांकि इतनी महंगाई है, इतना कुछ है, लेकिन लोग नहीं निकल रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। काफ़ी मैंने जगहों पे जाके किया है कि हाँ जी, कहते हैं ना कि जो दिमाग उनका एक तरफ सेट हो चुका है, इतनी महंगाई है फिर भी कहते हैं नहीं ठीक है साढ़ा तो चाल ही रहा है ना, वो बेहिसी इतनी भर चुकी हुई। वही बात यह है कि जब आप अपनी अपनी अपने से बाहर नहीं सोचते ना। देखिए, हमारे नबी हमें ये दर्स देते देते दुनिया से गए, उन्होंने हमें कॉन्स्टेंटली कहा कि एक मुसलमान की को चोट लगे तो आपको तकलीफ़ होनी चाहिए, किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो आपको तकलीफ़ होनी चाहिए, यही कहा था ना उन्होंने। तो अगर हमारे वर्कर्स को तकलीफ़ हो रही है, या हमारे लीडरशिप को तकलीफ़ हो रही है, या किसी आवाम के लोगों के, कल उन्होंने इस्लामाबाद में कुछ दिनों पहले सारे वो इंतकामी कार्रवाई में तोड़े हैं गरीबों के स्टॉल्स एहसास के, तो तकलीफ़ हमें नहीं, क्यों नहीं हुई, हम क्यों नहीं उनके लिए खड़े हुए और निकले। सेहत कार्ड बंद कर दिया है, हर चीज़, उन्होंने लंगर खाने जहाँ से मजदूर क्या दो वक्त का खाना खा लेते थे वो भी बंद। तो अभी भी अगर आवाम को दूसरों की तकलीफ़ में तकलीफ़ नहीं है ना, फिर वो जब उनके घरों में डाके पड़ेंगे, जब उनके घरों से लोग नुकसान उनके होंगे, फिर ही निकले, फिर निकलने वाला कोई रह नहीं जाएगा, ये होगा, ये अफसोस की बात है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं कि लोग कितने यहाँ पर उनके कारकुन जो हैं इमरान खान के पुरजोश हैं, इमरान खान के लिए दिन रात यहाँ पर बैठे हैं, और इमरान खान के लिए जेल भराओ हर चीज़ करने के लिए वो तैयार हैं।